इस वीडियो में हम लोग लंबाई की परास समझेंगे, रेंज ऑफ लेंथ। तो ब्रह्मांड में वस्तुओं के आकार का जो परास होता है वो बृहद होता है, बहुत सूक्ष्म से लेकर बहुत बड़े तक। तो वस्तुओं के आकार का परास 10^-14 मीटर से 10^26 मीटर प्लस 26, ये -14 तक होता है। बहुत कम तथा बहुत अधिक लंबाई के लिए कुछ विशेष मात्रक प्रयुक्त किए जाते हैं। वैसे तो हम लोग सिंपल मात्रक मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इस तरह से मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, पिकोमीटर, लेकिन इनके लिए कुछ विशिष्ट मात्रक प्रयुक्त किए जाते हैं विशेष। जैसे लंबाई का एक मात्रक होता है फर्मी, जिसका मतलब होता है 10^-15 मीटर। तो 10^-15 मीटर जो परास वो लेंथ होती है, बहुत सूक्ष्म लेंथ, उसको हम लोग फर्मी बोलते हैं। एक एंगस्ट्रॉम 10^-10 मीटर, तो ये कुछ अतिरिक्त लंबाई के मात्रक हैं। एक खगोलीय मात्रक, ये बड़ा मात्रक है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, एक AU। एक AU का मतलब होता है 1.496×10^11 मीटर। तो ये बड़ा मात्रक है, ये छोटे मात्रक हैं। और पृथ्वी से जो सूर्य की औसत दूरी होती है उसी को बोलते हैं एक खगोलीय दूरी या एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसी तरह से और बड़ा मात्रक लंबाई का है प्रकाश वर्ष। प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46×10^15 मीटर। 1 light year बोला जाता है इसको। लंबाई का और एक बड़ा मात्रक है पारसेक, 3.08×10^16 मीटर होते हैं। और लंबाई का एक बहुत छोटा मात्रा का यूज किया जाता है प्लांक लेंथ। प्लांक लेंथ जो होती है वो 1.6×10^-15 मीटर। इतनी छोटी सी डिस्टेंस को प्लांक लेंथ कहा जाता है। और इतने कम डिस्टेंस पर जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच इंटरेक्शन खत्म हो जाता है, यानी जो भी क्लासिकल भौतिकी के जो नियम हैं वो इस दूरी पर फेल हो जाते हैं। तो ये सबसे सूक्ष्म दूरी अभी तक यूज की गई, इसका नाम दिया गया प्लांक लेंथ, 1.6×10^15 मीटर। अब हम लोग पढ़ते हैं द्रव्यमान का मापन। तो जैसे लंबाई का मापन किया गया प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, उसी तरह से द्रव्यमान का, द्रव्य का एक ऐसा गुण जो ताप दाब या स्थान पर निर्भर नहीं करता वो द्रव्यमान कहलाता है। यानी ब्रह्मांड में कहीं भी द्रव्यमान नापा जाए तो समान आता है। तो ये ताप दाब तथा स्थान पर निर्भर नहीं करता, तो ये पदार्थ का ये ऐसा गुण कहलाता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक KG होता है, मूल मात्रक है। इसका मापन साधारण तुला से, तराजू से करते हैं, या और भी तुला हैं जैसे फिजिकल बैलेंस हैं, भौतिक तुला, रासायनिक तुला, और आजकल इलेक्ट्रॉनिक तुला चलने लगे हैं। तो इनसे हम लोग द्रव्यमान का मापन करते हैं। जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक तुला ज़्यादा यूज किए जा रहे हैं तो हम लोग इस तरह से, अब जैसे बहुत बड़े पिंडों का हमें द्रव्यमान ज्ञात करना होता है, तारों, ग्रहों आदि का, तो उनको हम लोग किसी यंत्र से ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस प्रकार बहुत बड़े पिंडों का जो द्रव्यमान ज्ञात करना होता है वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से ज्ञात किया जाता है। और बहुत जो छोटे कण हैं उनका भी द्रव्यमान ज्ञात करना बड़ा कठिन होता है। जैसे बहुत छोटे कण, परमाणु, अणु, नाभिक आदि का अगर द्रव्यमान हमें ज्ञात करना हो तो उसके लिए वो भी बहुत कठिन होता है। तो इनके द्रव्यमान बहुत कम होते हैं। तो इनके द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए एक नया द्रव्यमान का मात्रक बनाया गया, जिसको कहा जाता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक बहुत छोटा द्रव्यमान का बहुत छोटा मात्रक है। और इसको जैसे परमाणु, अणु आदि के द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब एक AMU है क्या, एक AMU लिखते हैं या एक U भी लिखते हैं? परमाणु द्रव्यमान मात्रक को स्मॉल U से लिखते हैं या AMU से लिखते हैं? तो एक AMU जो परमाणु द्रव्यमान मात्रक है वो कार्बन 6C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। एक परमाणु 6C12 का हो उसके द्रव्यमान का अगर 12वां भाग निकाला जाए तो ये निकलता है
एक ही अणु के बराबर होता है। अब इसको अगर हम 6C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान को 12 से भाग दे लेते हैं तो ये आ जाता है 1.66 × 10⁻²⁷ kg, यानी इस द्रव्यमान को कहा जाता है एक ही अणु। तो ये सबसे छोटा द्रव्यमान है एटॉमिक मास यूनिट। अब हम लोग और देखेंगे कि द्रव्यमानों को दो प्रकार में बांटा गया है, एक जड़त्वीय द्रव्यमान और एक गुरुत्वीय द्रव्यमान। गुरुत्वीय द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, जड़त्वीय द्रव्यमान जड़त्व के कारण होता है। अब जड़त्व क्या होता है, जैसे किसी वस्तु पर हम बल लगाएं तो अगर वस्तु भारी होगी तो उसका स्थान परिवर्तन के लिए हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा, और अगर वस्तु हल्की है तो हमें कम बल लगाना पड़ेगा। तो यदि हम तो वस्तु प्रत्येक वस्तु के पास एक ऐसा गुण होता है जो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, उसको जड़त्व का गुण कहा जाता है। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा तो उसका जड़त्व भी ज्यादा, तो ये जड़त्वीय द्रव्यमान होता है। जिसमें अपनी अवस्था परिवर्तन के विरोध का गुण होता है उसको बोलते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान, जड़त्वीय द्रव्यमान के कारण होता है। और गुरुत्वीय द्रव्यमान होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो इनके निकालने का तरीका ये होता है कि जैसे हमें गुरुत्वाकर्षण बल मान लीजिए गुरुत्वीय द्रव्यमान निकालना है, तो पृथ्वी की ओर कोई भी वस्तु गिरती है तो उसमें एक निश्चित त्वरण उत्पन्न होता है जिसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, 9.8 m/s² का। तो गुरुत्वाकर्षण बल को यदि हम गुरुत्वीय त्वरण से डिवाइड कर दें तो जो द्रव्यमान आएगा, एफ बराबर एम ए फार्मूला लगाकर, एफ बराबर एम ए से एम बराबर होता है एफ अपान ए। तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वीय त्वरण 9.8 से डिवाइड कर दें तो जो आएगा उसको कहते हैं गुरुत्वीय द्रव्यमान। और जड़त्वीय द्रव्यमान का संबंध होता है जैसे कोई वस्तु रखी है, उस पर आपने बल लगाया और बल के कारण उसमें त्वरण उत्पन्न हो गया, तो लगाए गए बल को यदि हम उस वस्तु के बाह्य बल को जो हम लोग खुद ही लगाएं, उस बल को यदि हम उसके त्वरण से डिवाइड कर दें तब जो द्रव्यमान आएगा उसको कहा जाता है जड़त्वीय द्रव्यमान, इनर्शियल मास। गुरुत्वीय द्रव्यमान को कहते हैं ग्रेविटेशनल मास। अब द्रव्यमान परास देखते हैं, जैसे लंबाई का परास, तो लंबाई का परास जिस तरह से बृहद होता है वैसे ही द्रव्यमान का परास भी बहुत सूक्ष्म से लेकर बहुत अधिक होता है। तो सबसे सूक्ष्म कण का द्रव्यमान जो इलेक्ट्रॉन है उसका 10⁻³० kg कोटि का होता है, और बहुत बड़े जो खगोलीय पिंड है उनका द्रव्यमान 10⁵ कोटि तक का होता है। जो हमें ब्रह्मांड में जो पिंड दिख रहे हैं उनका कुल द्रव्यमान देखा जाए तो 10⁵ कोटि का होगा, और अर्थ वगैरह का 10⁻²⁰ kg के करीब होता है। तो इस तरह से बहुत सूक्ष्म कण भी पाए जाते हैं बहुत कम द्रव्यमान के, और बहुत बड़े द्रव्यमान के भी पिंड पाए जाते हैं। तो ये समझ लीजिए बस इतने। अब समय का मापन देखिए, तो समय के मापन के लिए हम लोग मोस्टली घड़ी का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त समय के मापन के अनेक और विधियां हैं, सौर घड़ी है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल आदि है, तो थोड़ी थोड़ी जानकारी इसके बारे में भी पढ़ लेना। परमाणु घड़ी, रेडियो एक्टिव डेटिंग है जिसको कार्बन डेटिंग कहते हैं। समय के और छोटे समय का मूल मात्रक तो होता है सेकंड, उसके अलावा और भी मात्रक है जैसे मिनट है, घंटा है, दिन है, सप्ताह है, माह, वर्ष, सदी, 100 साल का वर्ष जिसको कहते हैं, युग आदि, ये सब समय के मात्रक हैं। समय के जो छोटे मात्रक होते हैं माइक्रो सेकंड होता है, 1 µs·10⁻⁶ सेकंड, नैनो सेकंड है तो 10⁻⁹ सेकंड नैनो का मतलब होता है, और एक और छोटा मात्रक है सेक, तो एक सेक जो होता है वो 10 ns के बराबर होता है, अर्थात 10⁻⁸ सेकंड के बराबर होता है। तो 10⁻⁸ सेकंड जो टाइम होता है वो एक सेक कहलाता है। तो इस प्रकार समय के मात्रक हो गए।